हे गाइस, दिस इज माय सुराजित मिस्त्री। हमारी मैकेनिकल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने आज एक नया वीडियो लेकर आया। इस वीडियो पर हम दिखाएंगे साइकिल का पेंट हटा के दूसरा पेंट कैसे करें। तो दोस्तों, ये जो साइकिल है MTB साइकिल, साइकिल का हमने पेंट हटा दिया। हटाने के बाद हम इसमें थोड़ा थिनर से अच्छी तरह रगड़ देते हैं, क्योंकि थिनर लगा दोगे तो इसका जो डैश लगा हुआ रहते हैं कार्बन, वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। उसका बाद हम इसमें प्राइमर करेंगे। प्राइमर करके दोस्तों इसमें हम पेंट डालेंगे। दोस्तों, ये लोहे वाला प्राइमर है, प्राइमर को अच्छी तरह हिला लेना है। हिलाने का बाद दोस्तों हम ये जो प्राइमर का ढक्कन है, ढक्कन खोल के ये हम गन के अंदर डालेंगे। तो दोस्तों, ये पेंट को आपको अच्छी तरह इसको घोल लेना है। घोलने का बाद दोस्तों हम इसमें थोड़ा थिनर दे देंगे। थिनर देने का बाद ये थोड़ा हम पतले कर लेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा रंग करने वाला जो गन है दोस्तों, एक गन के अंदर हम ये प्राइमर को हम अच्छी तरह थोड़ा डाल लेते हैं। डालने का बाद इसमें हम थोड़ा थिनर दे देंगे, क्योंकि थिनर देने से पेंट क्या होते हैं दोस्तों, बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं और पेंट अच्छी तरह चिपक के लग जाते हैं। ये थिनर है, ये जो प्लास्टिक का बोतल है, बोतल का अंदर हमने थिनर रखा। ये थिनर हम थोड़ा डाल देते हैं। डाल के ये जो प्राइमर हमने लिया, प्राइमर को हम अच्छी तरह इसको पतली करके घिल लेते हैं। घिलने का बाद दोस्तों हम एयर गन्स की मदद से इसमें हम पेंट करेंगे। तो दोस्तों, जो अभी तक हमारी चैनल पर नई है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कोई सा भी एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। हम साइकिल रिलेटेड की वीडियो देते रहेंगे। तो गाइज, ये देख लीजिए हमारा पेंट करने वाला जो गन है, गन बिल्कुल रेडी। अब हम इस साइकिल में प्राइमर लगाएंगे। तो दोस्तों, ये देख लीजिए प्राइमर कैसे लगाया। ये लोहे वाला प्राइमर है, ये हमें मिला दोस्तों 250 रुपया में हाफ लीटर। ये हाफ लीटर की डब्बा आते हैं 250 रुपया में। ये बहुत ही बढ़िया प्राइमर है। प्राइमर हम अच्छी तरह लगा दिया। ये लोहे वाला प्राइमर है। ये प्राइमर लगाने का बाद दोस्तों हम थोड़ा इसको सूख लेंगे। सूखने का बाद हम दोबारा इसमें पेंट करते हैं ब्लैक वाला पेंट। तो दोस्तों, ये साइकिल हमारा ब्लैक ही होगा। ये पहला था ब्लू कलर की, ब्लू कलर की साइकिल पहला था। ये दोस्तों करीब 6 महीने साइकिल इसको लिया दोस्तों, और ये साइकिल का पेंट किसी किसी जगह में बिल्कुल ख़राब हो गया था। इसीलिए ये पेंट को पूरा हटा के हम रिमूव करके दूसरा पेंट हम इसमें लगाते हैं। तो गाइज, ये गन के अंदर हमारा पेंट लगा हुआ है। ये पेंट भी बहुत ही अच्छा कंपनी का पेंट, ये आपको मिल जाएगा। जो आपका जो चार पहिया वाली जो पेंट का शॉप है दोस्तों, वही से हमने लिया। ये बहुत ही अच्छी पेंट है। ये पेंट देके साइकिल को हम फिटिंग करेंगे। तो आप देखते रहिए कैसे साइकिल का पेंट हटा के दूसरा पेंट लगा के बिल्कुल नया हमने बना दिया। कैसे बनाते हैं आप हमारी वीडियो पर स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो की स्किप मत कीजिए। वीडियो की स्किप कर दोगे तो आपको पता चले जाए कोई अच्छी वाला पार्ट आपका छूट गया। इसीलिए वीडियो की एंड तक आपको ज़रूर देखना है। ये पेंट कितने की आते हैं? तो दोस्तों, ये साइकिल वाला जो पेंट है, ये ऐसे पेंट नहीं है, ये बहुत ही अच्छा पेंट है। आपको अच्छा पेंट ही लेना है, क्योंकि अच्छा पेंट से आप पेंट करोगे तो दोस्तों आपका पेंट ज़्यादा दिन तक चलेगा और ये चमकते ही रह जाएगा। तो दोस्तों, ये हम पेंट बहुत ही अच्छी तरह कर रहे हैं। और दोस्तों, पेंट जब भी आप करोगे तो दोस्तों पेंट के साथ थोड़ा थिनर आपको मिला देना है, क्योंकि थिनर मिलाने से आपका पेंट बहुत ही जल्दी सूख जाएगा और पेंट ज़्यादा दिन तक लास्टिंग करेगा, वो आसानी से छूटेगा नहीं। इसीलिए ये पेंट के साथ थोड़ा आपको थिनर
मिक्स कर देना है। मिक्स करके बहुत ही अच्छी तरह उसको मिला लेना है। मिलाने का बाद एक गन में एयर गन की ऊपर हमने डाल दिया है पेंट को। डालने का बाद हम जैसे पेंट कर रहे हैं बिल्कुल आप वैसे ही कर सकते हो। और दोस्तों और भी एक बात है, आपको स्प्रे वाला पेंट भी आपको मिल जाएगा, वो आपको 150 रुपये में किसी भी पेंट का शॉप में आपको मिल जाएगा। स्प्रे वाला पेंट से भी आप पेंट कर सकते हो। तो लेकिन स्प्रे वाला पेंट से ये मशीन वाला पेंट थोड़ा ज़्यादा खर्च आते हैं और ये ज़्यादा दिन तक चलते भी है। तो गाइज हमारी चैनल पर जो नई है चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारी चैनल पर आपको साइकिल रिलेटेड की फुल नॉलेज के साथ वीडियो आपको मिलता रहेगा। मैकेनिकल हमारी चैनल पर आपको वीडियो मिलेगा, साइकिल मॉडिफाइड, साइकिल रिपेयरिंग, साइकिल फिटिंग्स, अनबॉक्सिंग, नॉर्मल साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल में कन्वर्ट, ई रिक्शा, रिक्शा, मोटरसाइकिल, एनी मैकेनिकल वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेगा। तो दोस्तों अब हम इस साइकिल को फिटिंग करेंगे। साइकिल पेंट करने का बाद इसको हम धूप में रखा था, धूप में बिल्कुल पेंट सूख गया, अब हम इसको फिटिंग करेंगे। ये दोस्तों हम जो हैंडल का कॉलर है दोस्तों फ्रेम वाला कॉलर हमने लगा दिया। कॉलर में हम दोनों साइड में ग्रीज लगाएंगे अच्छी तरह। ग्रीज लगाने का बाद दोस्तों हम इसमें चोरी वाला जो गोली आते हैं, चोरी वाला गोली हम इसमें लगाएंगे। आप ध्यान से देखते रहिए ये चोरी वाला गोली कितने की आते हैं और इसका अंदर से गोली निकल के कैसे नया गोली हम डालते हैं वो भी हम दिखाया दूसरा वीडियो पर इसमें, और नहीं दिखाया क्योंकि वो भी दिखाएंगे तो दोस्तों हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबाई हो जाएगा, आप बोर हो जाओगे। इसीलिए इस वाले वीडियो पर गोली लगाना, चोरी का अंदर गोली लगाना हमने दिखाया नहीं, उसका दूसरा वीडियो हमारा चैनल पर है, आप वही से देख सकते हो। तो दोस्तों ये हमारा सामने भाई भैया जो सस्पेंशन है, शॉकर है, तो दोस्तों ये शॉकर को हम फ्रेम का साथ अटैच करेंगे। तो कैसे अटैच करते हैं, ये नीचे वाला जो कोटोरी लगा हुआ है ये कोटोरी का हम अच्छी तरह ग्रीज लगा के कोटोरी को रख दिया। अब हम ऊपर की साइड में लगाया चोरी वाला गोली और नीचे भी चोरी वाला गोली हम एक एक करके दोनों तरफ साइड में ही लगा दिया। लगाने के बाद दोस्तों हमने देख लीजिए कैसे बॉडी का साथ हम सस्पेंशन जो शॉकर उसको हम जोड़ दिया। जोड़ने के बाद ऊपर एक स्क्रू रेशर हम अच्छी तरह लगा देते हैं। तो स्क्रू रेशर की काम क्या होता है दोस्तों, गोली को वो पकड़ के रखते हैं और हैंडल, कभी कभी आपने नोटिस किया होगा हैंडल आपका सामने वाला जो ब्रेक दबाते हो तब ये उठक नमक करते हैं, इसीलिए ये चोरी से जो स्क्रू रेशर है स्क्रू रेशर अच्छी तरह उसको कस के रख देते हैं। तो एक एक करके दोनों वाशर भी हमने दे दिया। देने के बाद ऊपर जो एंड में जाम नट रहते हैं वो जाम नट हम लगा दिया। लगाने के बाद उसको हम अच्छी तरह कस देंगे क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा कसना मत, ज़्यादा कस दोगे तो आपका हैंडल बिल्कुल जाम हो जाएगा, इसीलिए वो हिसाब की सही आपको कसना है। तो दोस्तों ये जो सस्पेंशन फंड वाली हमारा लगाना कंप्लीट हो गया, अब हम इसका हैंडल को लगाएंगे। ये हैंडल का सारे तार हमने एक कट्ठा बांध कर रख दिया। एक गियर वाली साइकिल है MTB हीरो कंपनी का, बहुत ही अच्छा साइकिल दोस्तों। ये साइकिल आपको 6 से 7 हज़ार रुपये में आपको मिल जाएगा किसी भी साइकिल का शॉप में। इसमें दोनों गियर लगा हुआ है फ्रंट का और पीछे वाला, दोनों पे ही गियर लगा हुआ है। ये शिमानो कंपनी का गियर है दोस्तों, ये शिफ्टिंग भी शिमानो कंपनी का। तो गाइज अब हम हैंडल को लगा दिया। हैंडल लगाने का बाद दोस्तों हम ये जो गियर वाली
ब्रेक वाली जो तार है दोस्तों, तार को हम एक एक करके फिटिंग करेंगे। ये सामने वाला पहिए को हम पहला अच्छी तरह फिट कर लेते हैं, फिर हम पीछे वाला पहिए को फिट करेंगे। उसका बाद हम साइकिल को सीधा करके इसका ब्रेक गियर हम एक एक करके फिटिंग करेंगे। तो दोस्तों वीडियो की साथ हमारी बनी रही है, वीडियो की स्किप मत कीजिए। और दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम और भी नई नई वीडियो लाते रहेंगे मैकेनिकल, हमारे साथ आप जुड़े रहिए। हम एक दिन बाद एक दिन छोड़ छोड़ के वीडियो आपको देते रहेंगे फुल नॉलेज का साथ। जो भी हमारी चैनल पर वीडियो देखोगे दोस्तों, आप सभी को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपको मैकेनिकल फुल नॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों ये फंड वाली पहिया हमारा फिटिंग हम कर रहे हैं, तो फिटिंग करके आपको घुमा के भी दिखाएंगे, एडजस्ट करना पड़ते हैं। तो दोस्तों इसका जो बियरिंग रहते हैं बीच में, बियरिंग को आपको एडजस्ट करना है। ज़्यादा इसमें लूज भी नहीं रहना चाहिए और पहिया जाम भी नहीं रहना चाहिए। आपको थोड़ा थोड़ा करके कस कस के आपको देखना है। और एक बात है दोस्तों, इसका जो डिश ब्रेक लगा हुआ है, डिश ब्रेक का पैड के साथ डिश प्लेट घिसना नहीं चाहिए, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। वो घिसेगा तो आपका ब्रेक का जो डिश ब्रेक का डिश पैड है दोस्तों, वो पैड बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसीलिए ये डिश पैड आपका जो डिश प्लेट है, डिश प्लेट का साथ घिसना नहीं चाहिए, उसमें भी आपको अच्छी तरह ध्यान देना है। तो हमारा MTB साइकिल का फ्रंट वाला पहिया फाइनली फिटिंग कंप्लीट हो गया। अब हम इसका गियर क्रैंक दोनों ही लगाएंगे। लगाने के बाद पीछे वाला पहिया को हम फिटिंग करेंगे। तो दोस्तों ये पीछे वाला पहिया को हम अच्छी तरह बैठा देते हैं। आप देख लीजिए जिस साइड में आपका स्टैंड लगेगा उस साइड में आपका जो डिश ब्रेक लगेगा दोस्तों, और जिस साइड में आपका जो गियर लगेगा वो आपका स्टैंड लगने का उल्टा साइड में। तो दोस्तों इसको आप ध्यान में रखना है, फ्री व्हील और गियर आपको एक ही साइड में लगाना है। ये तीन कैसेट वाला गियर है दोस्तों, तीन कैसेट वाला गियर को हम लगाएंगे। तो कैसे लगाए, कौन सी टूल से इसको लगाते हैं वो भी हम दिखाएंगे। तो ये जो एक्सेल है BB एक्सेल दोस्तों, BB एक्सेल घाट करा हुआ है चौका, उसमें हम अच्छी तरह फंसा दिया। फंसाने के बाद इसमें हम बोल्ट लगाते हैं। तो देख लीजिए ये बोल्ट को हम लगा के कौन सी टूल से हम इसको कसेंगे। ये टूल्स दोस्तों आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन में भी मिलेगा, ऑफलाइन में भी मिलेगा, आप जहां मर्जी वैसे ख़रीद सकते हो। ये टूल्स हमारा पूरा टूल्स सेट मिला दोस्तों 500 रुपये में। एक गियर को खोलने वाला, दूसरा BB एक्सेल का जो BB काप है दोस्तों, BB कोटोरी को खोलने वाला है, और एक चेन काटने वाला है, और दोस्तों एक है हमारा फ्री व्हील खोलने वाला, जो 7 स्पीड 6 स्पीड जो फ्री व्हील रहते हैं दोस्तों, नॉर्मल फ्री का तरह नहीं खोलेगा। उसको खोलने के लिए अलग टूल्स की ज़रूरत है। तो इसीलिए सारे टूल्स की पैकेज हमें 500 रुपये में मिल गया, हमने अमेजोन से ख़रीदा। आप भी ख़रीदना चाहते हो वैसे भी ख़रीद सकते हो, हमारी डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारी गियर लगा हुआ तो कंप्लीट हो गया। अब हम इस जो MTB साइकिल का क्रैंक है दोस्तों, क्रैंक को हम लगा रहे हैं। क्रैंक लगा के वो जो हमारा टूल्स हमने लिया, टूल्स की मदद से हम अच्छी तरह उसको कस रहा है। टूल्स को लगा के हमें सिलाई वाला जो स्पैनर है, स्पैनर से हम अच्छी तरह इसको कस देते हैं, क्योंकि इसका साथ कोई हैंडल नहीं मिलते हैं, सिर्फ टूल ही मिलते हैं। तो दोस्तों हमारा क्रैंक भी लगाना फाइनली कंप्लीट होने वाले हैं। अब हम इस दोनों बोल्ट को फाइनल कसेंगे, क्योंकि ये बोल्ट को आपको बहुत ही अच्छी तरह कसना है। ये इसको ढीला मत छोड़िए, ढीला छोड़ दोगे तो दोस्तों आपका जो गियर क्रैंक
वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। थोड़ा बहुत लूज रह जाते है तो क्रैंक भी ख़राब हो जाएगा, आपका एक्सेल भी ख़राब हो जाएगा। एक्सेल तो दोस्तों जल्दी ख़राब नहीं होते, क्योंकि एक्सेल में ज़्यादा टेम्पर होते हैं, आपका गियर और क्रैंक ख़राब हो जाएगा। ये बोल्ट को आपको लूज नहीं छोड़ना, इसको ज़बरदस्त कस देना है। तो देख लीजिए हम कैसे इसको कस रहे हैं। हमने एक 16 नंबर की रिंग स्पैनर हमने ले लिया, और हमने वो जो टूल्स हमने ख़रीदा था वो टूल्स का बीच में हमने स्पैनर को फंसा दिया। फंसा के हम अच्छी तरह इसको कस रहे हैं। तो हमने कैसे कस रहा है, ये लेफ्ट की साइड में कसेगा और राइट की साइड में ये बोल्ट आपको खुल जाएगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसे लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो भी बताइए, तो हमें भी पता चल जाएगा जो हमारे वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रहा है। तो दोस्तों आपकी साइकिल का कोई प्रॉब्लम हो, कैसी भी साइकिल हो, एनी प्रॉब्लम हमें कमेंट कर दीजिए। हमारे पास वीडियो उसका नहीं है तो हम उसका ऊपर वीडियो ज़रूर बना देंगे, और वीडियो होगा तो हम उसका आंसर सॉल्यूशन ज़रूर बता देंगे। आपका कैसी भी साइकिल हो, MTB हो, देसी हो, नॉर्मल हो, आपका कोई प्रॉब्लम हो साइकिल का, हमें कमेंट कर दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर बता देंगे। तो दोस्तों एक गियर क्रैंक फाइनली हमारा अच्छी तरह कसना कंप्लीट हो गया। ये देख लीजिए थोड़ा बहुत भी इसमें जो नोच प्रॉब्लम होते हैं, नोच प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल ही नहीं रखेंगे हम। तो दोस्तों हमने पहले भी बता दिया, इसका नोच प्रॉब्लम रह जाएगा तो क्रैंक और गियर दोनों ही ख़राब हो जाएगा। तो फाइनली हमारा क्रैंक और गियर लगा के कसना कंप्लीट हो गया। अब हम इसका गियर लगाएंगे, जो गियर वाला पीछे वाला जो मशीन है मशीन को लगाएंगे, चैन को लगाएंगे, फ्रंट का ड्यूलर भी हम लगाएंगे। तो हमारी वीडियो आप देखते रहिए, स्टेप बाय स्टेप हम फिटिंग करके आपको दिखा रहा है। तो दोस्तों ये पीछे वाला जो गियर है ये 7 स्पीड वाला गियर, गियर के मशीन को हम लगाते हैं। कैसे लगाए आप देखिए, ये जो पहिया है दोस्तों, पहिया को हम पहला लगा देंगे, लगाने का बाद मशीन को लगाएंगे। तो दोस्तों मशीन लगाने के लिए पीछे एक बोल्ट रहते हैं, बोल्ट के साथ मशीन को जोड़ना है। एक बोल्ट के साथ दोस्तों छोटा सा एक स्क्रू रहते हैं, और जो कट लगा हुआ है जेई पे हमारा साइकिल का पहिया की जो एक्सेल लगते हैं वही पे कट लगा हुआ रहता है। कट के साथ कट की जो एंड में वो जो वाशर वाला बोल्ट लगा के हमने फिक्स्ड कर दिया। अब हम देख लीजिए पीछे वाला पहिया को हम लगा दिया। अब ये चेन को हम जोड़ेंगे, जोड़ के फ्रंट का जो ड्यूलर है फ्रंट का ड्यूलर को भी हम लगाएंगे, लगा के फिटिंग करके आपको चला के भी दिखाएंगे। तो दोस्तों इसलिए हम बोल रहे हैं वीडियो की एंड तक आपको ज़रूर देखना, तो एक ही वीडियो पर आपको फुल नॉलेज मिल जाएगा साइकिल का पेंट कैसे करें, पेंट करके साइकिल को कैसे फिटिंग करें। तो फिटिंग करेंगे तो दोस्तों इसका जो गियर लगा हुआ है, ड्यूलर लगा हुआ है, उसको कैसे फिटिंग करते हैं वो भी हम एक ही वीडियो पर आपको फुल जानकारी दे देते हैं। तो दोस्तों पीछे वाला पहिया की बोल्ट को हम, एक्सेल का जो बोल्ट है बोल्ट को हम अच्छी तरह कस लेंगे। पीछे वाला जो पहिया है पैक स्ट्रे का साथ बिल्कुल बीच में रख के हम इसको कस देंगे। जो बैग वाला चिमटा है दोस्तों, चिमटा के बीच में पहिया को रखना है। रखने का बाद दोनों साइड का हाफ एक्सेल का बोल्ट अच्छी तरह दोनों बोल्ट को कस देना है। और दोस्तों आपको जो पहिया है, पहिया का जो एडजस्ट भी आपको करना है, ये जाम भी नहीं रहना चाहिए, और ज़्यादा जो नोच प्रॉब्लम होते हैं नोच प्रॉब्लम भी आपको रखना नहीं चाहिए। पहिया बिल्कुल स्मूथ घूमना चाहिए, ये
हिलना भी आपको बंद कर देना है और ज़्यादा जाम भी नहीं करना है। तो वैसे ही आपका पीछे वाला पहिया को भी एडजस्ट करना है, जैसे हम फ्रंट वाली पहिया को एडजस्ट किया वैसे ही पीछे वाला पहिया को एडजस्ट करना है। तो दोस्तों फाइनली हमारा पीछे वाला जो पहिया है पहिया को फिटिंग करना कंप्लीट हो गया। अब हम इसका चैन को जोड़ेंगे, जोड़ के गियर शिफ्टर और ड्यूलर सब को हम एक एक करके फिटिंग करके आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल पर आपको साइकिल मोटरसाइकिल ई रिक्शा रिक्शा नॉर्मल साइकिल में डिश गियर साइकिल मॉडिफाइड नॉर्मल साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल में कन्वर्ट कैसे करें, साइकिल का मोटर रिपेयर कैसे करें, बियरिंग कैसे चेंज करें साइकिल का हब मोटर की, तो दोस्तों वो भी वीडियो हमारे चैनल पर है, वैसे हब आप देख सकते हो। और हब मोटर किट साइकिल में नॉर्मल साइकिल में कैसे फिटिंग करें वो भी वीडियो हमारे चैनल पर है, आप वहीं से देख सकते हो, देख के खुद ही घर में बैठ के अपना साइकिल में इलेक्ट्रिक मोटर आप लगा सकते हो। तो दोस्तों ये देख लीजिए हमारा चैन को जोड़ने और कटने वाला टूल्स है, हमने ये टूल्स की मदद से ही ये जो MTB साइकिल जितना भी है गियर वाली सबकी चेन हम ऐसे ही काटते हैं और ऐसे ही हम जोड़ते हैं ये वाली टूल्स की मदद से। तो बिल्कुल आसान है, इसका बीच में जो गैप है दोस्तों गैप के अंदर चेन को आपको बैठा देना है, बैठा के खोलना है तो वो जो ऊपर एक बोल्ट है लगा हुआ है सरिया को आपको घुमाना है तभी आराम से चेन कट जाएगा। और जब आपको जोड़ना है उसको भी घुमा के ही फिर आपको जोड़ना है। तो दोस्तों जो अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, हम और भी नई नई वीडियो लाते रहेंगे फुल नॉलेज का साथ। तो हमारी वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है, और आपको कैसा वीडियो चाहिए, कौन सा मैकेनिकल वीडियो, हम उसी के ऊपर ही वीडियो आपको बना के देंगे। तो दोस्तों हमारा पीछे वाला गियर वाला जो मशीन है मशीन लगाना कंप्लीट हो गया, और मशीन का जो गार्ड होते हैं दोस्तों गार्ड को हम लगा रहे हैं, गार्ड को कैसे लगाना है अब देख लीजिए ध्यान से, मशीन को ये पूरा गार्ड करते हैं, ये जो गार्ड है जब आपका साइकिल गिर जाते हैं कभी कभी तो साइकिल गिरते ही है तो आपका मशीन टूट ना जाए इसीलिए एक गार्ड लगा हुआ है। तो दोस्तों इसका किक स्टैंड हम लगा रहे हैं, किक स्टैंड को लगाने के लिए 2-5 नंबर का जो एलेंकी है दोस्तों 5 नंबर एलेंकी की मदद से ये किक स्टैंड को लगाना है। तो दोस्तों एक साइड में एलेंकी लगाना है 5 नंबर की और दूसरा साइड में 10 नंबर की जो स्पैनर है स्पैनर लगा के हम अच्छी तरह किक स्टैंड को भी हम कस देंगे, इसको भी थोड़ा भी लूज नहीं रहना चाहिए, अच्छी तरह कस देना है। तो दोस्तों किक स्टैंड भी हमारा लगाना कंप्लीट हो गया, अब हमें पीछे वाला जो मडगट है दोस्तों पीछे वाला मडगट को भी हम लगा रहे हैं। पीछे वाला मडगट को लगाने के लिए वो जो आपका बैक स्ट्रे है बैक चिमटा की नीचे एक होल्ड वाला पात लगा हुआ है उसका साथ है पीछे वाला जो मडगट है वो लग जाते हैं। तो दोस्तों पीछे वाला मडगट को भी हमने लगा दिया, अब हम इसका वायर को खोल दिया, देख लीजिए एक 2 ब्रेक का वायर है और 2 गियर का जो लगा हुआ है 2 गियर ड्यूलर उसी का 2 तार है। तो गाइज हम एक एक करके सारे तार को लगाएंगे, पहला हम गियर को एडजस्ट कर लेते हैं उसका बाद हम ब्रेक को एडजस्ट करेंगे, कोई सा भी करना है करना तो
चारों तार को ही लगाना है, दो ब्रेक का और दो दोस्तों गियर का। तो आपको पता होगा जो क्लब्स का साथ लगा हुआ है वो गियर का, और शिफ्टर का साथ जो लगा हुआ है वो आपको जो गियर लगा हुआ है गियर के साथ। शिफ्टर की तार हमें गियर के साथ लगाना है। वो जो राइट वाला शिफ्टर है, राइट वाला शिफ्टर आपका पीछे वाला गियर में लगेगा और लेफ्ट वाली शिफ्टर लगेगा आपका फ्रंट का ड्यूलर में। तो दोस्तों हम पहला पीछे वाला गियर को हम फिटिंग करेंगे। तो तार को हमने अच्छी तरह देख लीजिए, घुमा घुमा के हम पीछे वाला जो गियर का मशीन है दोस्तों, मशीन का साथ ले आया पास में। अब पहला हम पीछे वाला गियर को हम फिटिंग करेंगे। पीछे वाला गियर को फिटिंग करने का बाद दोस्तों हम फ्रंट वाला ड्यूलर को फिटिंग करेंगे। उसका बाद हम दोनों ब्रेक को एक एक करके फिटिंग करेंगे। बिल्कुल एंड में हम सीट को लगाएंगे, लगा के साइकिल को हम चला के आपको दिखाएंगे। तो गाइज अब ध्यान से देखिए, ये पीछे वाला जो फ्री व्हील है, ये 7 स्पीड का फ्री व्हील, इसमें 7 कैसेट रहते हैं और फ्रंट में 3 कैसेट वाला गियर है। तो आप देख लीजिए पीछे वाला गियर फिटिंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सामने वाला जो ड्यूलर है उसको हम फिटिंग करते हैं। आप आसानी से उसको भी हम फिटिंग कर दिया। अब हम इसका सीट लगाएंगे। तो दोस्तों इसका सीट टूट गया था, इसमें हम नया सीट लगा रहे। सीट लगाने से पहले हमें सीट पिलर पाइप को हम लगाना है। सीट पिलर पाइप लगा रहा है, देख लीजिए दोस्तों सीट पिलर पाइप के में लगा हुआ है एक बैकलाइट। बैकलाइट को पीछे साइड में देके आपको लगाना है। अब हम इसमें सीट लगाएंगे। तो दोस्तों आपको पता होगा सीट लगाने से पहले सीट पिलर पाइप को लगाना है। सीट पिलर पाइप की ऊपर की साइड में रहते हैं सीट। तो दोस्तों सीट को हम एडजस्ट करके टाइट कर देंगे और जो सीट पिलर पाइप है पाइप को भी हम टाइट कर देंगे। तो दोस्तों सीट हम एडजस्ट करके टाइट करने का बाद सीट पिलर पाइप जो है तो वो दोस्तों उठा नमा करते हैं। जो लंबाई ज़्यादा है वो थोड़ा ज़्यादा ऊपर रखते हैं और जो थोड़ा छोटा है दोस्तों वो नीचे, बिल्कुल नीचे रख के एडजस्ट कर देते हैं। वो अपना जिस जिसका साइकिल है अपना हिसाब से वो सीट पिलर पाइप को ऊपर नीच कर सकते हो। तो दोस्तों ये हीरो कंपनी का MTB साइकिल है, बहुत ही अच्छा कंपनी, साइकिल भी अच्छा है। तो आप इस साइकिल को ख़रीदना चाहते हो तो दोस्तों आपको ऑनलाइन में भी मिल जाएगा, ऑफलाइन में भी मिल जाएगा, किसी भी साइकिल का शॉप में आपको ये साइकिल आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों सीट को भी हम एडजस्ट करके अच्छी तरह सारे बोल्ट को हम कस देते हैं। आप देख लीजिए ये जो नीचे वाला बोल्ट हम 13 नंबर की बोल्ट को कस रहा है। तो दोस्तों 13 नंबर की बोल्ट को कसने से आपका सीट पिलर पाइप कस जाते हैं, वो घूमेगा नहीं। और ये 15 नंबर स्पैनर से जो बोल्ट को हम कस रहा है वो सीट का बोल्ट कस रहा है, क्योंकि दोनों बोल्ट को ही आपको कसना है। एक को ढीला छोड़ दोगे तो आपका सीट इधर उधर घूम जाएगा। तो दोस्तों फाइनली हमारा MTB साइकिल का पेंट करके पूरा फिटिंग कंप्लीट हो गया। ये देख लीजिए कितना चमक रहा है हमारा ये पेंट। हम इसमें स्टिकर भी लगाएंगे। ये 7 स्पीड वाला गियर वाला साइकिल, दोनों सामने पीछे दोनों साइड में गियर लगा हुआ है, दो डिस्क डबल डिस्क डबल गियर फ्री व्हील लगा हुआ है। और दोस्तों हमारी जो MTB साइकिल है दोस्तों, ये शिमानो कंपनी का शिफ्टर लगा हुआ है। तो दोस्तों फाइनली हमारा MTB साइकिल में पेंट करके फिटिंग करना कंप्लीट हो गया। ये ब्रेक भी हमारा बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबाई हो गया,
और वीडियो हम ज़्यादा लंबाई नहीं करेंगे, थोड़ा आपको चला के भी दिखा रहे एक गियर शिफ्टर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देख लीजिए गियर भी बहुत अच्छी तरह शिफ्टिंग कर रहा है और ड्यूलर भी बहुत ही अच्छी तरह काम कर रहा है। तो दोस्तों आप घर में बैठ के अपना साइकिल में पेंट करके गियर शिफ्टर फिटिंग कर सकते हो। और दोस्तों हम अब फ्रंट वाली ड्यूलर देख लीजिए बहुत ही अच्छा शिफ्टिंग कर रहा है, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर सब में चेन उठा नमा कर रहा है। तो दोस्तों हमारी वीडियो फाइनली कंप्लीट हो गया, अब हमारी वीडियो यहीं पे ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले नए वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे।